कैसे पता चला आपको एफडीसी के बारे में? बोलो एफटीसी का तो क्या है कि आजकल हर एक्टर्स की जुबान पर एफटीसी का नाम है, और जो ऑनलाइन पोर्टल है वो देश के कोने कोने तक पहुंच चुका है। और जैसे लोग जितने एक्टर्स हैं वो लाइन में भीड़ में घुसे रहते थे, स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं, उसको तो यही नहीं पता क्या याद कर रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है एक्टर्स को कि वो अपने मन की बात जो करना चाहे वो कर सकते हैं, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश के हर कोने कोने में जो ये ऑनलाइन पोर्टल डाला है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं आम जिंदगी में जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मुंबई नहीं आ पाते क्योंकि कोस्टली शहर है, तो उसमें क्या होता है कि वो अपना घर बैठे ऑडिशन अपलोड कर सकते हैं जी। तो उस चीज़ से क्या बेनिफिट है कि जो टैलेंट हमारे देश के कोने कोने में छुपा हुआ है वो निकल के बाहर आ सकता है। तो ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ऐसा पोर्टल जो देश के कोने कोने में गया, बहुत परफेक्ट है। और जिस भी इंसान ने ये सोचा है वो कसम से उसको तो सैल्यूट है, उसने एक्टर्स की लाइफ चेंज कर दी है। मतलब मैं पिछले 8 साल से मुंबई में हूँ और ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, जैसे बॉम्बे में आए दिन सुनते हैं कि ऑडिशंस वगैरह होते रहते हैं प्रोडक्शन में इधर उधर, तो जैसे आज आपको पता चला कि हम लोग आज इम्प्रोवाइजेशन करा रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हर जगह जाओ तो या तो सेल्फ ऑडिशन हो या फिर वो स्क्रिप्ट दे देते हैं आपको, लेकिन ये जो इम्प्रोवाइजेशन जो आप लोग करवा रहे हैं इसमें जो एक्टर्स 2-3 एक्टर्स या फिर सिंगल भी एक्टर अपना इम्प्रोवाइजेशन करके जो एक्ट कर रहा है वो अपना बेस्ट दे रहा है, उसके कोई बाउंडेशन है ही नहीं कि वो क्या करना चाहे, ऐसा बंधा हुआ नहीं है वो। कई बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट दे दे तो वो करेक्टर पढ़ने में लग जाएगा या रट्टा मारेगा स्क्रिप्ट का, लेकिन इसमें जो उसको ठीक लगता है वो उसका नेचुरल एक्ट एक सामने निकल के आता है। तो उस चीज़ का जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं वो आकलन कर लेते हैं कि ये किस लेवल का एक्टर है। यहाँ के माहौल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का माहौल तो बहुत परफेक्ट है। एक्चुअली क्या है कि जितनी भी जगह मैंने आज तक ऑडिशंस दिए हैं या जहाँ भी मैं कहीं गया हूँ तो उनसे तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है। बाहर नहीं ऐसे भीड़ नहीं है, कहीं लाइन नहीं है। अभी हर जगह क्या है, बाहर एक बंदा बाहर निकल के आएगा फिट नोट फिट कर देगा, लेकिन यहाँ पे हर तबके के लिए हर उम्र के लिए एक काम है और वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।